हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से 19 डेट शीट जारी की गई है डिस्टेंस और रेगुलर स्टूडेंट की। चलिए देखते हैं कौन से कोर्स की, कौन से सेमेस्टर की डेट शीट आ जाई है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट शीट के सेक्शन में हम आ चुके हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज की डेट शीट आ जाई है। सबसे पहले जो डेट शीट आई है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने रिपीयर या फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर रखा है, या फिर फ्रेश जो स्टूडेंट है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, उनकी दोबारा से डेट शीट जारी की गई है। रिवाइज थ्योरी डेट शीट आप देख सकते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है डेट शीट में। लास्ट में डेट शीट को डाउनलोड करके देखेंगे क्या चेंज है डेट शीट में। इसके बाद अगली जो डेट शीट है, रेगुलर जो स्टूडेंट है पीजी कोर्सेज के, उनकी डेट शीट आ चुकी है। कौन कौन से कोर्स की डेट शीट आई है देख सकते हैं। सबसे पहले एम वोकेशनल के जो स्टूडेंट, आपकी डेट शीट आ चुकी है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसकी भी डेट शीट आ चुकी है। मास्टर ऑफ आर्ट के जो स्टूडेंट, एम ए सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आपकी भी डेट शीट आ चुकी है। आप अपनी डेट शीट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगली डेट शीट मास्टर ऑफ कॉमर्स के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, डेट शीट आ चुकी है। एम एस सी सेकेंड सेमेस्टर डेट शीट आ चुकी है। इसके बाद ओपन इलेक्टिव कोर्स जो है उनकी भी डेट शीट आ चुकी है। एम फार्मेसी के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, डेट शीट आ चुकी है। एम बी ए सेकेंड सेमेस्टर, एम बी ए सेकेंड सेमेस्टर, एम बी ए सेकेंड सेमेस्टर देख सकते हैं। एम बी ऑनर सेकेंड सेमेस्टर, एम सी ए सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर, एम एच एम सी टी सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर, एम टी टी एम सेकेंड सेमेस्टर, LLM सेकेंड सेमेस्टर, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी डेट शीट आ चुकी है। इसके बाद अगली जो डेट शीट आई है, प्रैक्टिकल का भी शेड्यूल आ चुका है। IHTM कोर्स जो है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। इसके अलावा BCom के जो स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, फ्रेश या फिर जो रिपीयर है फिर इम्प्रूवमेंट का जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा, आपकी भी दोबारा से डेट शीट आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है। इन सभी डेट शीट को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं जिनमें भी चेंज हुआ है। BCom के जो स्टूडेंट है और MLib के जो स्टूडेंट है, दोनों ही डेट शीट को डाउनलोड करके चेक करेंगे क्या चेंज किया गया डेट शीट के अंदर। इसके अलावा रेगुलर जो स्टूडेंट है इनमें से एक डेट शीट को डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा कब से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। ये देखिए दोस्तों, डेट शीट को मैंने डाउनलोड कर लिया है। MDU की तरफ से डेट शीट जारी की गई है। BCom के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है डिस्टेंस के, उनकी दोबारा से डेट शीट जारी की गई है। सेमेस्टर स्कीम के जो स्टूडेंट है, क्या चेंज हुआ इस डेट शीट में मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर फ्रेश रिपीयर और इम्प्रूवमेंट लिखा रहा था, अब यहाँ से फ्रेश जो वर्ड है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ चेंज है आप अपनी डेट शीट के अंदर देख सकते हैं। 3 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, 17 जून को आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। ठीक दोस्तों, आप दोनों ही डेट शीट को चेक कर सकते हैं, पुरानी डेट शीट को और ये जो नई डेट शीट आई है इसको भी चेक कर सकते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है डेट शीट के अंदर। मेरी रिकॉर्डिंग सिर्फ ये इस डेट शीट में से सिर्फ फ्रेश जो वर्ड है वो हटा दिया गया है, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट 30 से कम थे इसलिए उनका एडमिशन इस सेशन में नहीं हुआ। इसलिए रिपीयर और इम्प्रूवमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये डेट शीट रहेगी। अगर आप इस डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस डेट शीट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है डेट शीट के अंदर। इसके बाद ये आपकी अगली डेट शीट रहेगी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है डिस्टेंस के जो स्टूडेंट है, आपकी ये डेट शीट रहेगी। क्या कुछ चेंज हुआ इस डेट शीट में मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर फ्रेश वर्ड नहीं था, सिर्फ रिपीयर और इम्प्रूवमेंट था फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के आगे। अब यहाँ पर फ्रेश वर्ड ऐड कर दिया है इस डेट शीट के अंदर, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो स्टूडेंट हैं आपकी ये डेट शीट रहेगी। 3 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है पहले और तीसरे सेमेस्टर के, 8 जून को लास्ट एग्ज़ाम रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट आपका लास्ट एग्ज़ाम 17 जून को रहेगा। अगर आप इस डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस डेट शीट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है इस डेट शीट के अंदर। दोबारा से ये डेट शीट आई है, आप देख सकते हैं। आज की डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ,
30 मई 2023। जिन भी स्टूडेंट ने एम लिब के कोर्स में एडमिशन ले रखा वो मेरे पास कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करें। के बाद ये जो अगली डेट शीट है, रेगुलर जो स्टूडेंट है एम ए के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये डेट शीट रहेगी। रेगुलर स्टूडेंट के कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है। एम ए सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये मैं डेट शीट डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। टाइमिंग आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की 9:30 से लेकर 12:30 है। 7 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है देख सकते हैं। फिर 9 जून को, 12 जून को, 14 जून को आपका अगला एग्ज़ाम रहेगा। फिर 14 जून के बाद आपका अगला एग्ज़ाम है 16 जून को। 16 जून के बाद आपका एग्ज़ाम है 19 जून को। 19 जून के बाद है 21 जून को। 4 पेज की डेट शीट रहेगी। फिर 21 जून को और 22 जून को आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। डेट शीट डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है। 22 जून तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 7 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। अगर आप इन सभी डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी आ चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे डेट शीट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कब से आपके एग्ज़ाम रहेगी और कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है। इसके अलावा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।